मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रॉम पैंगोंग। और रात को आपने देख ही लिया था कि हम लोगों ने कितनी मस्ती करी, और उसके बाद अभी सुबह के 6 बज चुके हैं। हमने बाइक के वहाँ पे लाइन अप कर दिए, और उसके बाद अब हम आज निकलने वाले हैं लेह के लिए। जिस रूट से हम कल आए थे यहाँ पैंगोंग, आज आधा रूट तो वही होने वाला है और आधा रूट होगा अलग, जो कि होगा लेह पैंगोंग हाईवे। नमस्कार, मैं मनोज कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल इट्स एम कुमार में। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। इन भाई ने यहाँ पे टेंट किया था, मतलब कैंपिंग की थी, और हमारी बाइक्स वहाँ पे, शुभम की बाइक रेडी है, मेरी बाइक पीछे रेडी है, जय और भाभी दोनों रेडी हैं, बाकी भाई बाइक सीधा लाइन अप है। तो अभी फटाफट बाइक पे सामान लोड करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे आगे। भाई आज का दिन था और हमने आज के दिन हमने यहाँ पे ब्रेकफास्ट किया, वो भी पैंगोंग लेक के सामने। कभी कहा यही जिंदगी है, और जिंदगी के इस सफर में हमें नए नए दोस्त मिलते रहते हैं। तो यहाँ पे भी हमें कुछ चार ऐसे दोस्त मिले थे, लेकिन वो दोस्त इतने कमीने मिले थे, गेट पकड़ के रोकना पड़ रहा उनको, क्योंकि वो फुटेज खराब कर रहे हैं। तो अभी इन कमीने दोस्तों को बाय कहने का टाइम आ गया, इनको बाय बोलते हैं। अरे आप बोलो, आ जाओ गले मिल के बाय करेंगे। जीते रहो। ये लोग क्या है, सोमोरोरी, क्या है सोमोरोरी जाएंगे सोमोरी लेक, बट हम लोग साथ में जाएंगे। डरबुक से रूट डिफरेंट हो जाती है लेह के लिए एंड सोमोरी के लिए। वहाँ पे भी अगर सेम है, अगर सोमोरी के लिए हमें परमिट मिल गया एंड हमें अपना बाइक का पेट्रोल मिल गई, तो हम चले जाएंगे सोमोरी या चले जाएंगे लेह। अगर ये दोनों चीज नहीं मिली तो हम सब साथ में चलेंगे लेह। ओके, तो इतना वेट कौन करेगा तुम लोगों के लिए? फटाफट आप करोगे? अरे यार, ये तो मतलब अभी साथ है, मतलब अभी हो सकता है आज के दिन ये विदाई सीन नहीं है। ये विदाई सीन नहीं है, और अगर लेह पहुंच गए हम साथ में, फिर से पार्टी में जाएंगे, जयपुर तक साथ में। अच्छा, आपको कारगिल होते ही जाओगे? कुछ खिलाना नहीं है। हाय करो, हाय। तो ये हमारा कॉटेज था, इन कॉटेजेस में हम रुके थे। यहाँ से जस्ट सामने ही यहाँ हमें पैंगोंग लेक का जो व्यू मिल रहा था, और यहाँ पे कैंप फायर वगैरह करी जा सकती है अगर आप आना चाहें तो यहाँ पे। और दिस वाज द डाइनिंग एरिया जहाँ पे हम सब लोग डाइनिंग करते थे, और यहाँ पे आप अच्छे से पार्किंग कर सकते हो। काफ़ी बढ़िया था और काफ़ी प्राइस के हिसाब से भी चीप है। गाँव ये मोह करके कुछ गाँव है पैंगोंग से थोड़ा सा आगे, तो यहाँ पे आके आप स्टे कर सकते हो। और यहाँ पे ये बच्चे पता नहीं क्या कर रहे हो। अरे क्या कर रहे हो, लेट हो गया, क्या हुआ, तैयार नहीं हुआ? चलो चलते हैं। देखो बाइक के ऊपर जो लगेज इन्होंने माउंट किया है, अपनी हाइट के बराबर इन्होंने लगेज माउंट कर रखा है यार। पहले बार इतना खतरनाक माउंट देखा है। क्या क्या लिया है इसमें, कितने साल का सामान है? सर्वाइवल किट है भाई, संसार पूरा न्यूक्लियर वॉर में चले भी जाए ना, अपन को कुछ नहीं होता है, हम तो सरवाइव कर लेंगे। ओके, चलते हैं। तो जो कल की 170 किलोमीटर हुई थी, मैं इसको जीरो कर देता हूँ और बजरंगबली का नाम लेके चलते हैं। हे भगवान, यात्रा सफल बनाना, चांदनी साथ देना। ओके, सुबह वैसे जल्दी निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन निकलते निकलते 7:30 हो ही गए। सोच रहे थे कि वाटर क्रॉसिंग कम से कम मिले इसलिए जल्दी निकलेंगे, बट हो नहीं पाया। देखते हैं अभी पानी का क्या हाल चल रहा है आगे। खतरनाक तरीके से होगी आज तो यार, सुबह पहले वाटर क्रॉसिंग्स क्लियर करनी पड़ेंगी। हाँ, पानी कम है थोड़ा सा तो कम है ही, एक क्लियर हो गई है इजीली। देखते हैं नेक्स्ट का क्या सीन है। ओके, नेक्स्ट में भी पानी थोड़ा सा कम ही लग रहा है। ओके, ओह, घुमाने में
में थोड़ी सी तकलीफ हो गई, पानी आया नहीं अभी तक तो पिघल कर। वाटर क्रॉसिंग सभी पैक हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। अब जो फाइनल सबसे ख़तरनाक है वो वाटर क्रॉसिंग बची हुई है यहाँ पे। अभी तो इसमें भी पानी नहीं है, आगे भी पानी इतना तो नहीं है। ओह निकल गई निकल गई निकल गई, नहीं है इस पर अभी भी नहीं मिला। ओह बच गए, हाल फिलहाल तो बच गए। बाय बाय पेंगोंग लेक, मिलते हैं वापस जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तब। काफ़ी डिफरेंट अनुभव है, इस टाइप का पानी आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा, जिस रंग का और जिस टाइप का इफेक्ट यहाँ पे आता है। तो यहाँ से आखिरी जो मेमोरी है इस पेंगोंग लेक की वो आंखों में समाई जा रही है, और कुछ लास्ट फोटोज़ यहाँ पे अभी क्लिक किए हैं, और ये करके अब हम सीधा यहाँ से देखो अब कितना बढ़िया पानी लग रहा है इसका। आप लोग नहीं आ सकते पेंगोंग लेक देखने के लिए, लेकिन हम आपको जितना हो सके मैक्सिमम दिखाएंगे। देखिए रास्ता भाई साहब भाटे भाटे पड़े हैं भाटे। तो कहते हैं ना कठिनाइयों से भरा हुआ रास्ता अक्सर आपको खूबसूरत मंजिलों की तरफ लेके जाता है, तो ऐसा ही कुछ पेंगोंग लेक के साथ भी है। और इवन जो जितनी ज़्यादा खूबसूरत जगह होगी उसका रास्ता इतना ही डिफ़िकल्ट होगा, ये बात तो मैंने देखी है। तो चलिए इसी शानदार बात के साथ आपसे मिलते हैं अगर कोई रोड बढ़िया आती है वहाँ पे, क्योंकि अभी रोड ख़राब है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे राइडिंग पे कॉन्सेंट्रेट करता हूँ, आप इंजॉय कीजिए ये व्यूज़। तो 20 किलोमीटर हम लोग आ चुके हैं, टाइम हो गया है 8:28, और अभी जो ग्रुप की फॉर्मेशन है उसमें जो है ऋषि भाई वो लीड कर रहे हैं ग्रुप को। काफ़ी बढ़िया से राइड चल रही है, सुबह सब लोग टाइम पे निकल गए थे इसलिए आज पहली बार ऐसे थोड़ा और ठंड में चलाने को मिल रहा है, काफ़ी बढ़िया है। ओके ओके, और तेरी तो टूटी फूटी रोड आ गए बिल्कुल। कल यही नाले बहुत उफान पे थे क्योंकि हम लोग 12 बजे के बाद यहाँ पे पहुँचे थे, और आज शांत हैं अभी। और ये थोड़ा सा ख़राब वाला पेच वापस से वो जो बूढ़े वाला पेच था वो है, और अभी इसमें भी यही है कि रात की ओस की वजह से मिट्टी जमी हुई है इसलिए इतना परेशानी नहीं हुई। तो अभी तक जितने भी नाले मिले हैं सब में पानी नहीं है, तो आराम से ईजीली क्रॉस हो रहे हैं, तो ऐसे कोई समस्या वाली बात नहीं आ रही है अभी। जबकि कल ये आए थे इन रास्तों में, देखो आप पूरे में यहाँ पानी भरा था और पूरा नारा उफान पे था, उस हिसाब से हम लोगों ने क्रॉस की थी। शुभम ने यहाँ पे 3 साल की फ़ोटोज़ वीडियोस उतार लिए हैं, 3 साल तक अब इसको फ़ोटो वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी है ना शुभम। नज़ारा देखो रोड पे क्या नज़ारा आया है, वाह ये है पहाड़ी घोड़े। अभी अभी इनका ड्रोन शॉट लिया गया था और अभी ये रोड पे आ चुके हैं, वाह कितने प्यारे हैं यार। मस्त, यहाँ पे ये घोड़े ऐसे खुले घास के मैदान में चल रहे हैं, और इनका अभी ड्रोन शॉट लिया गया है जो आपको जय भाई के ब्लॉग में और ऋषि भाई के ब्लॉग HKV फिल्म्स या HKV पिक्चर्स उसमें देखने को मिलेगा। तो भाई पेंगोंग 4200-4300 मीटर की हाइट पे है, फिर भी वहाँ पे सांस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि यहाँ पे हरियाली अच्छी खासी है, मतलब अच्छी खासी तो क्या लेकिन सफिशियंट हरियाली है, घास के मैदान है, तो जिसके कारण क्या ऑक्सीजन ठीक ठाक बनी रहती है यहाँ पर।
और जबकि वो पांग और जो सरचू वाला एरिया था वो बिल्कुल बंजर एरिया था, तो वहाँ पे पेड़ पौधे भी बिल्कुल नहीं थे, प्लस एल्टीट्यूड भी था, तो दोनों होने के कारण वहाँ पे क्या ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं थी, इसलिए इतनी बुरी हालत ख़राब हो रही थी। और यहाँ पे ग्रीनरी है, वेलकम टू लद्दाख।